नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप नमस्कार मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर एन न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का गाजीपुर दौरा, आज सम्मान समारोह में शामिल होंगे डिप्टी सीएम और ये खास दौरा माना जा रहा है। महाराजा सुहेल वेद राजभर का है सम्मान समारोह। जहूराबाद विधानसभा में कसीमाबाद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होने के लिए डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचेंगे और जहूराबाद विधानसभा के कसीमाबाद का पूरा मामला जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज गाजीपुर दौरा करेंगे और इस दौरान एक अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें ये सम्मान समारोह होने वाला है जिसमें डिप्टी सीएम केशव शर्मा शामिल होंगे और महाराजा सुहेल देव राजभर का सम्मान समारोह है जिसमें जिसके उपलक्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहूराबाद विधानसभा के कासिमाबाद में। और इसी के साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कन्नौज जिले में डेंगू के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और 18 नए डेंगू संक्रमित मरीज सामने आए। जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा खबर कन्नौज से सामने आ रही है जहां पर 18 डेंगू संक्रमितों की पुष्टि की गई है और अब संख्या बढ़कर के 243 पहुंच गई है। एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या यहां पर 79 पहुंच गई है। साथ ही डेंगू का कहर लगातार बरकरार, वायरल बुखार का भी यहां पर काफी मामले सामने आए जहां पीड़ितों की संख्या बढ़कर 200 के आंकड़े को पार कर गई। इसी बीच 15 लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और स्वास्थ्य प्रशासन लगातार कोशिश में लगा है कि लोगों को इलाज दिया जा सके। कन्नौज जिले में 18 नए डेंगू मामले आने से इस वक्त हड़कंप मच गया है। जिले में अब डेंगू संक्रमितों की संख्या 243 पहुंच गई है। इसी के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या अब 79 पहुंची है और इसी के साथ ही लगातार डेंगू के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। वायरल बुखार पीड़ितों की संख्या अब 2,559 पहुंच गई है। 15 लोगों की सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और आपको बताते चलें कि डेंगू और वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन मरीजों की संख्या में साफ तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि इस तरह की जनगणना व्यवहारिक नहीं है। 1951 से देश में यह नीति लागू है। इस बार भी सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला लिया है। पहले से ही चली आ रही नीति के तहत अब इस बार भी सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक और भाषाई समूहों की गिनती ही की जाएगी। ऐसे में केंद्र ने यह हलफनामा महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका में जवाब में दाखिल किया है। आबादी के जातिगत आंकड़े जुटाने और उसे सार्वजनिक करने की मांग पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था और अब केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लिखित जवाब दाखिल कर ये तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की गणना कर पाना व्यवहारिक नहीं होगा। केंद्र ने बताया है कि 2011 में जो सोशियो इकोनॉमी और कास्ट सेंसस यानी SECC किया गया था उसके आधार पर ओबीसी की गणना नहीं की जा सकती है। आगे बात करते हुए बताया गया कि 2022 में होने जा रही जनगणना में जातियों की गिनती से मना करते हुए केंद्र ने यह भी कहा कि ये एक नीतिगत विषय है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई आदेश नहीं देना चाहिए।